press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़की हिंसा में जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के परिवार को केजरीवाल सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि हेड कांस्टेबल रतन लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी हेड कांस्टेबल रतन लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में मुआवजा का ऐलान किया, जबकि बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के परिवार को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आपका ख्याल रखेंगे। हम आपको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे।